नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ने वाले आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आप देख सक रहे हैं, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के बारे में। तो देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट सर्च करते हो, तो जब वेबसाइट सर्च करते हो तो ऊपर की ओर जो है एक है जो है लॉक का निशान बना आता है, और एक जो है मतलब कुछ इस प्रकार की वेबसाइट आपने देखे होंगे जहां पे आपको लॉक का निशान नहीं दिखता है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, वही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो उन्हीं से संबंधित यहाँ टॉपिक है आपके सामने, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। देखिए होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं हम एचटीटीपी की। तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो एक प्रकार से देखिए, जब भी आप कोई वेबसाइट टाइप करते हो तो उसके सामने आपको एचटीटीपी लिखा हुआ आता है। एचटीटीपी जब लिखा आता है उसके साथ में दो डॉट लगे रहते हैं, स्लैश लगा होता है, और फिर आपको www देखने को मिलता है। मतलब क्या है एचटीटीपी, मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो भी हम वेब पर सर्च करते हैं, जो भी इंटरनेट पर सर्च करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने का काम जो भी रूल्स करते हैं, मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं सेट ऑफ रूल्स यानी कि नियमों का समूह, एक प्रकार से क्या बोलते हैं हम उसको, एचटीटीपी यानी कि एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का काम करता है। तो यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल में हम देख सकते हैं, देखिए जो एक प्रकार से डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है, और ये प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है वेबसाइट के सबसे सामने आप उसको देख सकते हैं। ये कभी कभी नहीं भी दिखता है तो आप उसकी टेंशन नहीं लिया करिए, क्योंकि जब देखिए नहीं दिख रहा है मतलब वो बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, ठीक है, परंतु हम जब टाइप करते हैं तब वो दिखता है यूआरएल में, और जब हम कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं तो वहां पे वो नजर नहीं आता, यानी कि रहता है परंतु दिखता नहीं है। तो एक प्रकार से हम उसको प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग, जिसे हम बोलते हैं वेबसाइट के सबसे शुरू में हम उसको लगाते हैं। वर्क कैसे करता है, तो ये वर्क की अगर बात करें, देखिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे वर्क करता है। जैसे कि हम एक कंप्यूटर हमारे पास में, चलिए हम एक आगे वाली स्लाइड में चलते हैं। ये देखिए आपके पास में एक कंप्यूटर है, और आप जो होगा एक प्रकार के क्लाइंट हो गए, ठीक है, और ये जो हो गया आपका वेब सर्वर। वेब सर्वर यानी कि जहां पर डेटा, सारी चीजें इंटरनेट पर जो भी चीजें हैं वो सभी एक जगह स्टोर रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेब सर्वर। और बीच में क्या रहता है, बीच में इंटरनेट रहता है, ठीक है, इंटरनेट या हम क्लाउड बोल सकते हैं, ठीक है। आप जैसे ही आपने कोई चीज सर्च किए, तो सर्च करने के पश्चात आपने यहाँ पे भेजे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट बोलेंगे। तो इसने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और ले गया कहाँ पे, सर्वर पर। सर्वर पर उन्होंने क्या किया, सर्च किया, मतलब जो भी आपका एक प्रकार से जो भी आपका सवाल है, जो आपकी रिक्वेस्ट है, उसको यहाँ पे वेब सर्वर के द्वारा जो है यहाँ पे डेटाबेस में सर्च की गई, और अगर वो मिल जाती है तो उसका जो है रिस्पॉन्स यहाँ मिलता है। यानी कि ये कैसे वर्क करती है, देखिए पहले तो रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट के बाद यहाँ पे सर्च की गई, सर्च के बाद रिस्पॉन्स आया, और फाइनली वो जाकर कहाँ चली जाती है, क्लाइंट पास। अब क्लाइंट के पास कहाँ जाएगी, क्लाइंट के पास वेब ब्राउजर में जाएगी। और वेब ब्राउजर क्या होता है, तो वेब ब्राउजर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जहां पर आप जो है वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें, एक प्रकार से इंटरमीडिएट का काम करता है। तो इससे संबंधित सारी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, पीछे जो है कंप्यूटर से सामान्य ज्ञान से रिलेटेड वीडियो है, उसमें वेब सर्वर है, तो उसमें जाकर आप देख सकते, वेब ब्राउजर वाला जो वीडियो है उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो एक प्रकार से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे ये वर्क करता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बात की है, जो कम्युनिकेशन होता है वो सर्वर और क्लाइंट के बीच में किस प्रकार वर्क करता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के अनुसार यहाँ पे वर्क करता है। और जो क्लाइंट होता है, मतलब एक प्रकार से ब्राउजर के माध्यम से, एचटीटीपी के माध्यम से यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी जाती है वेब पर, और वेब जो है वेब सर्वर उसको रिसीव करता है, रिसीव करने के पश्चात क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के पश्चात वो एचटीटीपी रिस्पांस के रूप में, ये देखिए एचटीटीपी रिस्पांस के रूप में कहाँ भेजता है, आउटपुट, और आउटपुट के रूप में किस में भेजता है, ब्राउजर में। और ब्राउजर कहाँ जाता है, ब्राउजर होता है क्लाइंट के पास में, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं एचटीएमएल फॉर्म में जो है डेटा को प्रदर्शित कराता है, सिंपल टेक्स्ट जो HTML होता है, HTML के माध्यम से हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं। तो इस प्रकार से HTTP वर्क करता है। तो हमने जो HTTP है उसके बारे में देख लिए, अब बात करते हैं HTTPS के बारे में। तो HTTPS क्या होता है, हम सिंपल समझ सकते हैं, जैसे देखिए ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ, आप जो है हर जगह सिक्योरिटी पर्पस के तौर पर इस प्रकार से चेकिंग हुआ करती है, आप मूवी में भी खास करके देखते होंगे, एक गेट या दरवाजा टाइप का होता है, उसमें से व्यक्ति गुजरता है, अगर उसके पास कुछ इस प्रकार का मटेरियल है जो सिक्योरिटी पर्पस से नुकसानदायक है, तो यहाँ पे देखिए आपको रेड जो निशान है वो जलता हुआ नजर आता है। और एक आप ये भी देख सकते हैं, देखिए ये चेकिंग के लिए जो है टूल्स देख सकते हो, तो इस व्यक्ति को चेक किया जाता है ताकि उसके पास में कोई हथियार वगैरह या जो भी चीज है वो उपलब्ध तो नहीं है, तो इस प्रकार से यहाँ सिक्योरिटी पर्पस से चेक किया जाता है।
तो हम देख सकते हैं, देखिए हमने अभी HTTP पढ़े, HTTP का ही अगला जो है एडवांस वर्जन, जैसे कि आज की डेट में सभी वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा, जैसे एक जो है लॉक का निशान यहाँ पे बना हुआ मिलता है, यानी कि वहां लिखा रहता है सिक्योर, सिक्योर लिखा रहता है या फिर लॉक का निशान बना होगा। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको HTTP मिलेगी, HTTP मिलेगी यानी कि यहाँ पे ताला लगा क्या? नहीं लगा। यानी कि आप देख सकते हैं जब भी आप इस प्रकार की कोई वेबसाइट को सर्च करेंगे, तो अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो इस प्रकार की वेबसाइट में आपको खतरा देखने को मिलेगा, यानी कि हैकर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चोरी कर सकता है। परंतु जब आप ऐसा सिक्योर वाली वेबसाइट देखोगे, तो इसमें अगर लॉगिन करोगे तो आपकी जो जानकारी है उसको हैकर चोरी कर सकता है कि नहीं, इसको बोलते हैं एक प्रकार से एनक्रिप्शन। अब देखिए एनक्रिप्शन क्या होता है, तो एनक्रिप्शन के लिए हम अगली स्लाइड में चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई डेटा है, एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है और ये सामने वाले आपके कोई फ्रेंड का या कोई संस्था का कंप्यूटर है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से कोई डेटा भेजे हैं, तो अगर डेटा सिंपल फॉर्म में, यानी कि आपने लिखे हो, ये लिखे आपने SSW, ठीक है, SSW लिखे, और अगर ये चला गया SSW के फॉर्म में, देखिए यहाँ दिख भी रहा और SSW के फॉर्म में यहाँ चला भी गया, तो इसमें क्या लगा है? इसमें HTTP है, HTTP यानी कि सिंपल Hypertext Transfer Protocol अगर आपने भेजे है, और यहाँ देखिए यहाँ जाकर वो है, जैसे जो SSW है वो SSW जो है स्टार स्टार के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, या फिर कोई XYZ के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और उसके बाद यहाँ गया है, यहाँ जाने के बाद वो जो यूजर है, मतलब जो सामने वाला व्यक्ति है, उसको फिर से SSW में वो कन्वर्ट कर लेता है। तो यहाँ देखिए SSW के फॉर्म में गया, SSW के फॉर्म में मिल गया, परंतु बीच में जितनी भी जगह वो गुजरा है वहां पे वो कुछ कोडिंग के फॉर्म में देखा, तो जो कोडिंग का फॉर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एनक्रिप्ट फॉर्म बोलते हैं। एनक्रिप्ट यानी कि ऐसी व्यवस्था या फिर ऐसी चीज जहां पर जो डेटा होता है वो कुछ और कोड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं एनक्रिप्शन। अब देखिए यहां जाकर वो क्या हो गया है, मतलब जैसा फॉर्म था वैसे ही हो गया है, तो कुछ कोड होता है जिसके माध्यम से उसको वापस कर लिया जाता है जैसे कि वैसे, तो इसको बोलते हैं डिक्रिप्ट। क्या बोलते हैं? डिक्रिप्ट बोलते हैं। तो ये समझ सकते हैं आप, देखिए एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों चीज। तो देखिए जो एनक्रिप्शन होता है, जैसे HTTP की बात करें अपन ने, HTTPS की बात करते हैं, तो HTTPS यानी कि Hypertext Transfer Protocol साथ में लगाया जाएगा सिक्योर, सिक्योर यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से सिक्योर। देखिए सिक्योर क्यों होता है, देखिए खास करके सभी जगह सिक्योर की जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु फिर भी अगर सिक्योर रहे तो गूगल उनको प्रेफरेंस जल्दी देता है, यानी ज्यादा जो है प्रेफरेंस देता है ऐसी वेबसाइट को जो सिक्योर होती है। जो सिक्योर वेबसाइट होती है उसमें खास करके जहां हम लॉगिन कर रहे हैं वहां जरूरत होती है, अगर हम नॉर्मली कहीं न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो वहां सिक्योरिटी पर्पस से उनकी जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि आज की डेट में आप हर जगह देख सकते हैं सिक्योरिटी पर्पस में HTTPS या ताले का निशान, जो लॉक का निशान, वो आपको दिखेगा। तो इसको बोलते हैं स्पेशल लेयर ऑफ इंक्रिप्शन, एक प्रकार से हम देख सकते हैं लेयर का जो, मतलब एक प्रकार से जो इंक्रिप्शन है उसकी एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं SSL। तो SSL मतलब हमको एक सर्टिफिकेट होता है जो हमारी वेबसाइट होती है उसके लिए, और इसको जो है सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और अप्लाई करने के पश्चात हमको क्या करना पड़ता है, उसको डाउनलोड इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हमारी वेबसाइट में भी क्या हो जाएगा, एक लॉक का निशान आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर इसका फुल फॉर्म होता है। तो हम ये जो है समझ सकते हैं SSL को, एनक्रिप्शन एक प्रकार का होता है, सिक्योरिटी पर्पस से इसको लिया जाता है। तो ऑनलाइन जितनी भी वेबसाइट होती है जहां पे हम लॉगिन करते हैं, जैसे कि बैंक हो गया जिसमें हम लॉगिन करते हैं, एक प्रकार से जो हमारी बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग चीज है, जो भी ऑनलाइन हम मैनेज करते हैं बैंक से रिलेटेड, नेट बैंकिंग या जो भी चीज है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे HTTPS जरूरी होना चाहिए। तो ये आप देखकर इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी चीज है, लॉक का निशान देख लीजिए, उसके बाद ही आप लॉगिन किया करिए, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। नहीं तो आपने क्या करे, जैसे डेबिट कार्ड, जैसे ऑनलाइन आपने कोई चीज परचेज किया है और वहां पे आपने डेबिट कार्ड की जानकारी डाले, और अगर आपका जो है HTTPS नहीं है, तो हैकर आपकी सारी जानकारी को वहां पे चुरा लेगा। वो तो नजर बैठा के, मतलब नजर रखकर बैठा ही है कि कौन व्यक्ति जो है नॉट सिक्योर वाली जो वेबसाइट है उसमें अपनी लॉगिन आईडी डाले, तो सारी चीज उसके पास चली जाएगी, बस हो गया। जो हैकर है उसकी तो हो गई मजे, तो वो वहां से जो है आपकी सारी जानकारी चुरा कर वो आपके बैंक अकाउंट या जो भी चीज है उसको हैक कर लेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं HTTPS को। तो यहाँ देखिए हम समझ सकते, देखिए जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप देख सकते हैं उसकी वेबसाइट है, वेबसाइट के सामने देखिए लॉक का निशान लगा, अगर लॉक का निशान नहीं भी होगा तो HTTPS लगा होता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो प्रीफिक्स है एक प्रकार से, और ये सिक्योर है यानी कि एस लगा हुआ है, और एस नहीं लगा होगा यानी कि रेड का निशान भी आता है कभी कभी यहाँ पे सामने, और लॉक का निशान नहीं आता है।
कुछ हम सोशल मीडिया की बात करें तो जैसे फेसबुक है, फेसबुक आप जानते ही होंगे सब, तो यहाँ पे भी देखिए लॉक का निशान, क्योंकि हम लॉगिन करते हैं, यहाँ पे भी हम लॉगिन करते हैं। यूट्यूब आप सभी चलाते हैं, अभी वर्तमान में भी आप यूट्यूब चला रहे हो तो यहाँ देखिए लॉक का निशान लगा। कुछ आप जो है ई कॉमर्स की वेबसाइट, ई कॉमर्स यानी कि अमेजन की उदाहरण ले लेते, तो अमेजन में भी आप जब देखोगे तो अमेजन में भी आपको एक प्रकार से यहाँ लॉक का निशान देखने को मिलेगा। तो सिक्योरिटी पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है HTTPS। और एक जो HTTP होता है वो तो बेस है, ये पहला चलता है। गूगल ने भी अपने सारे प्रोडक्ट में लगभग पिछले 2 साल से क्या कर दिया है, 2-3 साल से उसको जो है सिक्योर कर दिया है, यानी कि सिक्योरिटी पर्पज से सारी जो उसके वेबसाइट वगैरह है वो भी क्या कर दिया, उनने सिक्योर कर दिया है। तो हमने ये दोनों चीज समझ लिए। एक और अब यहाँ एक और चित्र आपको दिखा देते हैं जो कि आपके थंबनेल में भी नजर आता होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको जैसे मान लो ये व्यक्ति है, हैकर है ये, ठीक है, तो हैकर है ये, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ HTTP का यूज किया गया है और पासवर्ड हमने टाइप किए हैं, ये देखिए कुछ भी हमने मान लीजिए XYZ या जो भी चीज हमने टाइप किए, तो जो हैकर है, हैकर को देखिए जो पासवर्ड है साफ साफ नजर आ रहा है, या कोई डेबिट कार्ड की अपने जानकारी यहाँ पर डाले हो तो उसको साफ साफ यहाँ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे SSL नहीं है, SSL यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर नहीं है। परंतु यहाँ बात करते हैं हम S की, S यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर, यहाँ SSL सर्टिफिकेट या डाउनलोड यहाँ पे है सिक्योरिटी पर्पज के तौर पर, ये सही है। तो S लगा यानी कि हम देख सकते हैं जैसे हमने कुछ टाइप करी ये वाला फॉर्म, तो हैकर को ये वाला फॉर्म नजर आएगा, ये देखिए एनक्रिप्टेड फॉर्म नजर आएगा, ना कि ये ओरिजिनल फॉर्म नजर आएगा। तो हम समझ सकते हैं ये वाला फॉर्म सबसे बेस्ट है। तो ये दोनों चीज हमने पढ़ लिए, छोटा सा टॉपिक था हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये चीज आप क्लियर कर सकते हैं। अब जो अगला जो है इसी प्रकार से हम देखेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हमने HTML और एक पढ़ेंगे हम XML। तो ये दोनों टॉपिक के बारे में हम जानेंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।